बहुत जी स्टार्ट। ये नई प्रस्तुति है अभी राम नाम की मधुशाला। राम नाम की मधुशाला प्रेम नारायण मेहता जी ने लिखी हुई पुस्तक है, उनकी रचना है और उसको लगभग 4 साल पहले हम लोगों की आपस में बात हुई थी। आप चाहते थे कि इसके ऊपर एक नृत्य नाटिका के रूप में एक मंचन हो, तो थोड़ा सा समय के अभाव के कारण पिछले 4 वर्षों तक से इसमें काम नहीं हो पा रहा था और पिछले वर्ष हमें इसका मौका मिला और इसका जो म्यूज़िक बना वो कलकत्ता में बना, क्योंकि भजनात्मक शैली में लिखी हुई चीज़ों पर नृत्य नाटिका करना एक थोड़ा सा टफ टास्क था। तो मैंने कोशिश करी कि उसको वहाँ कलकत्ता में उसका पहले सबसे पहले म्यूज़िक बनवाया और इस साल उसकी प्रस्तुति का हमें एक मौका मिल रहा है, जो सबसे पहली प्रस्तुति होने जा रही है राम नाम की मधुशाला। इसमें गवर्नर साहब भी इनवाइट हैं? हाँ, इसमें गवर्नर साहब, इनके अलावा भी और कोई? इनके अलावा भी वहाँ पे कई महान विभूतियाँ रहेंगी, लेकिन अब एक एक का नाम बताना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कुछ एकाध मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि सबको फ़ोन पे हम लोगों को इतना मौका नहीं मिला, क्योंकि अभी मैं पिछले हफ्ते ही साउथ अफ्रीका से आई हूँ, तो एक हफ्ते का ही समय था, बहुत जल्दी जल्दी कार्ड्स बने, बहुत जल्दी जल्दी इन्विटेशन गए हैं। जो सूरभ सिंह, आप कथक आर्टिस्ट हैं? मैं कथक डांसर। और इससे पहले आपने कोई प्रोग्राम किए? कौन कौन से प्रोग्राम किए हैं? मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लगभग 20 वर्षों से काम कर रही हूँ और लखनऊ का जाना पहचाना नाम हूँ। तो पिछले मैंने कई सारे बैलेस को लेके बहुत एक यूनिक वर्क किया है, कि जो आपका शास्त्र से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको मैंने नृत्य नाटिकाओं में पिरोने की कोशिश करी है। क्या छोटे जितने भी नृत्य नाटक करने वाले हैं, क्या उनको आप अपने साथ लाना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं लाना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से जैसे आर्टिस्ट होते हैं नहीं ला सकते हैं, जैसे बहुत दूर रहते हैं। हाँ नहीं नहीं कई आर्टिस्ट इवन हमारे पास जो शिष्य भी हैं वो कई दूर दूर से आते हैं, यहाँ सीखते हैं, हमारे पास रहते हैं, और जो भी छोटे कलाकार, छोटा बड़ा नहीं होता है, उसको मौका किस तरह का मिल रहा है ये बड़ी बात है। नहीं, जैसे जिस तरीके से लोग कलाकार बाद में साइड में खड़े हो गए आके बाद में या उनसे मिलना चाहें, तो उन लोगों लोग मिलने से बड़े कलाकार इनकार कर देते हैं। नहीं, ऐसा मेरा कुछ भी मानना नहीं है, मेरे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, जिसके अंदर भावना है, जिसके अंदर श्रद्धा है काम करने की, उसके लिए मैं भी समर्पित हूँ और मुझे लगता है नहीं मैडम, जिस तरह आपने कहा कि आप बहुत बड़े कलाकार हैं, बड़ी बड़ा नहीं, छोटा नहीं, नहीं होता नहीं। हाँ, मैं 20 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेरा नाम है। आपने सुंदरकांड और द्रौपदी जैसे भी चर्चित नाटकों में किया है? जी जी जी। तो ये कहाँ, लखनऊ में किया है कि बाहर? नहीं, लखनऊ में इसके पहले मंचन सभी कार्यक्रमों के लखनऊ में हुए। इसके अलावा हम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड अभी तक लगभग आधी दुनिया में जा चुकी हूँ। भारत का कोई भी फेस्टिवल ऐसा नहीं है जहाँ पर परफॉर्म ना किया हो, तो इस तरह से काम कर रहे हैं। और अगर प्रस्तुतियों की संख्या देखी जाएगी तो 7-8 हज़ार प्रस्तुतियों से ज़्यादा कर चुके हैं।